हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड ईच अदर बाय यूजिंग सम मीडिया, दैट मीडिया मे बी केबल और वायरलेस एंड कैपेबल ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का वह समूह जो आपस में किसी माध्यम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो केबल हो चाहे वो वाईफाई हो, और वह अपने रिसोर्स आपस में शेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? नीड ऑफ नेटवर्क, इसकी नेटवर्क की आवश्यकता क्यों हुई? दोस्तों, पहला पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेस। जो नेटवर्क रिसोर्सेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, प्रिंटर्स हुआ, प्लॉटर्स हुआ, ठीक है दोस्तों, सीडी रोम हुआ, डीवीडी हुआ, ये सब चीज़ें हम आपस में शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पर। यदि नेटवर्क पे एक प्रिंटर है और 10 यूजर हैं, तो उस प्रिंट 10 के 10 उस प्रिंटर के साथ अपना काम कर सकते हैं। नंबर दो, फाइल ट्रांसफ़र, यानी डाटा, क्विक डाटा ट्रांसफ़र। हम जल्दी से, तेज़ी से नेटवर्क पर हम अपना डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा भेज सकते हैं दोस्तों। तीसरा है कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन। इससे ईमेल कर सकते हैं, दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं बैठे बैठे। चौथा पॉइंट है एफिशिएंट एंड रिलायबल, आपको अपडेट रिलायबल इंफॉर्मेशन इससे आप मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इन कारणों से इस नेटवर्क की हमको आवश्यकता पड़ी। यानी नेटवर्क रिसोर्सेस शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इससे अपडेट इंफॉर्मेशन, रिलायबल और अपडेट इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहेगी। इन कारणों से हमें नेटवर्क जो है कि आवश्यकता पड़ी है। तीसरा कारण है, नंबर तीन पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। दोस्तों, स्पेस यानी जगह और रोल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का क्या रोल है, उसके अकॉर्डिंग हमने नेटवर्क को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया है। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? द नेटवर्क कन्फाइंड इन ए सिंगल लोकेशन और टिपिकली ए बिल्डिंग इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क लैन। यानी एक सिंगल बिल्डिंग में जब ये नेटवर्क फैला हो तो उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और इस लोकल एरिया नेटवर्क में हम केवल यूज करेंगे कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट है मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों, इसमें एक सिटी कवर होती है। जो स्पेस होगा नेटवर्क का, वो एक कंप्लीट सिटी को कवर करेगा, और केबल टीवी इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूजेस द लैंड टेक्नोलॉजी, जी दोस्तों, लैंड टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करता है, और ये एक सिटी को कवर करता है, वहां जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इट कवर्स द वाइड एरिया, इट मे बी अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री, एंड यूजर्स टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव लिंक्स फॉर कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क मे बी कैटेगराइज एज, नेटवर्क में कंप्यूटर को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है क्लाइंट्स हु यूजर्स द नेटवर्क रिसोर्सेस एंड डू नॉट प्रोवाइड्स रिसोर्सेस। यानी जो यूज करता है, सिर्फ ओनली यूजर्स नेटवर्क रिसोर्सेस, केवल नेटवर्क के रिसोर्स को ये यूज करेगा। नंबर दो, पीयर्स who
हु यूजर्स एंड प्रोवाइड्स नेटवर्क रिसोर्सेस, ये यूज भी करेगा और प्रोवाइड भी करेगा। सी, सी में है सर्वर्स। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ओनली प्रोवाइड्स नेटवर्क रिसोर्सेस, ये यूज नहीं करता है, ओनली प्रोवाइड्स करता है, नेटवर्क रिसोर्सेस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द रोल कंप्यूटर नेटवर्क में बी क्लासिफाइड एज, कंप्यूटर के रोल के अकॉर्डिंग के आधार पर उनको हमने क्लासिफाई किया है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एवरी कंप्यूटर वर्क्स एज ए क्लाइंट एंड सर्वर। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एवरी कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर वर्क्स एज ए क्लाइंट एंड सर्वर। दूसरा है सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्लाइंट एंड सर्वर इज यूज्ड एंड सर्वर्स सपोर्ट द क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू द क्लाइंट्स। सी है कॉम्बिनेशन नेटवर्क्स। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स द क्लाइंट एंड सर्वर्स बोथ यूजर्स शेयरिंग पीयर्स शेयरिंग, यानी नेटवर्क्स जो है इस दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्लाइंट और जो सर्वर हैं वो दोनों साथ साथ होते हुए पीयर शेयरिंग को करेंगे आपस में, तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन नेटवर्क। मतलब क्लाइंट और सर्वर के साथ साथ वो पीयर शेयरिंग भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क टॉपोलॉजी। तो टॉपोलॉजी क्या होती है? द टॉपोलॉजी यानी लेआउट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स ऑन द लेआउट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट ऑन द नेटवर्क। तो नेटवर्क कंपोनेंट क्या है? कंप्यूटर्स केबल्स एंड अदर कंपोनेंट्स का उनका नेटवर्क पे क्या लेआउट है उसको बोलेंगे नेटवर्क टॉपोलॉजी, यानी फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला है बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी में क्या होता है? कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ए सिंगल केबल across single cable and one end of this cable is terminated and this type of topology or cable referred trunk lines, यानी एक सीधे केबल में दोनों तरफ कंप्यूटर को जोड़ देंगे, उसका एक एंड पे टर्मिनेटर लगा देंगे ताकि पावर को बैक करने के लिए जो उसमें पावर जो सिग्नल जाएगा। तो ये सिंगल केबल में दोनों तरफ कंप्यूटर को, ये सिंगल केबल है इधर भी कंप्यूटर लगा देंगे इधर भी लगा पैरेलल में। दूसरा स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी में क्या होगा कि ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस विद ए सिगमेंट केबल, एक सिगमेंट केबल के द्वारा हर कंप्यूटर को एक सेंट्रल डिवाइस से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। दैट सेंट्रल डिवाइस में भी हब, वो सेंट्रल डिवाइस हब हो सकता है। थर्ड है रिंग टॉपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ टॉपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड इन ए सर्कुलर केबल, एक सर्कुलर केबल में ये कंप्यूटर जो है कनेक्टेड रहेंगे। तो ये हो गया रिंग टॉपोलॉजी। अब आता है हब। व्हाट इज हब? हब इज ए डिवाइस। व्हाट इज हब? हब इज ए डिवाइस विच सेंट्रलाइज नेटवर्क ट्राफिक थ्रू ए कॉमन कनेक्शन और पॉइंट। दीज आर कैटेगराइज इन थ्री वे। इट इज कैटेगराइज इन, ये तीन प्रकार से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम। पहला है एक्टिव हब, दूसरा है पैसिव हब और तीसरा हैबिट हब। एक्टिव हब, दिस टाइप ऑफ हब रीजनरेट एंड रीड एंड फर्दर ट्रांसमिट टू द ट्रैफिक या डाटा। ये डाटा को क्या करता है? रीजनरेट करता है। दिस टाइप ऑफ हब इज आल्सो कॉल्ड अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। ठीक है, ये इट्स रिक्वायर्स पावर सप्लाई टू रन। नेक्स्ट है पैसिव। इट
इट प्रोवाइड्स ओनली कनेक्शन, इसमें केवल क्या है, सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट्स रहेंगे और इट हैज नो नीड टू पावर फॉर रनिंग फॉर ऑपरेट, इसको और ऑपरेट करने के लिए पावर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स जो है प्रोवाइड करता है और पॉइंटों के द्वारा जो है कॉमन पॉइंट के थ्रू ये डाटा को आगे भेजता है। अब आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड टाइम में ये एडवांस सब है एंड इट हैज कैपेसिटी टू मैनेज द वेरियस टाइप ऑफ केबल्स, इसमें वेरियस टाइप के केबल्स को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी होती है और ये एडवांस सब होता है। अब नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड एज, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको हम निम्न प्रकार भी क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टार बस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है स्टार रिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। और नेक्स्ट है फिजिकल मैस, दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी जितनी भी डिवाइस होंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी एंड इसमें हम ज़्यादा कंप्यूटर को नहीं जोड़ सकते नहीं, क्योंकि अगर चार डिवाइस हैं तो हर डिवाइस चारों से अलग अलग कनेक्ट होगी, ये एक डिवाइस दो डिवाइस तीन, ये इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी और इससे भी कनेक्ट होगी, यानी फिजिकली जो है ये सबसे कनेक्ट होंगे इस टाइप में मैस, फिजिकल मैस में। तो दोस्तों ये था कुछ नेटवर्क के बारे में, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे लिखना कमेंट्स में। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।